नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बनाए हैं चिकन कोसा, जो काफ़ी जल्दी और काफ़ी सुंदर, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। तो मेरा अभी कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तेल थोड़ा डाल देंगे और ये काफ़ी हीट हो चुका है, तो इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। तो ये 2 तेज़पत्ता डाल दिए। अभी इसमें डालेंगे प्याज, प्याज डाल दिए हैं और 1 लहसुन की कलियां, इसको अच्छे तरह से भून लेंगे। तो ये भून रहा है, अभी इसमें टमाटर डाल दिए, काट के टमाटर डाल दिए हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और ये मेरा चिकन मैरिनेट करके रखे थे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा विनेगर और मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको मैरिनेट किए थे। 1 घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रखे थे हमने। तो ये थोड़ा जल्दी से फॉरवर्ड करके इसको भून देंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से, और मेरे नए नए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले, और मेरी परफेक्ट चिकन कोसा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो इसमें 4 तो सूखी मिर्च और प्याज और टमाटर को काट के लिए हैं, हम इसको पीस लेंगे, पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। ये चिकन कोसा जो है ये बंगाली डिश है, ये बंगाली डिश से फेवरेट है। तो ये हल्का हल्का इसको ढक के फिर अच्छी तरह से भुनेंगे। कोसा का मतलब यही होता है कि बिना पानी डाले इसको भूनते 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 पकाना है, इसी को कहते हैं चिकन कोसा। तो ये मैंने जो पेस्ट बनाए थे वो डाल दिए हैं थोड़ा सा, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा डालेंगे और कस्तूरी मेथी थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। और बाकी सारे मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम मैरिनेट के समय में हम जीरा और धनिया पीस के डाले थे, तो इसको मैरिनेट में डाले थे, तो अभी नहीं डालेंगे, ज़्यादा मसाला हो जाएगी, इसलिए इसको ढक ढक के अच्छी तरह से पका लेंगे। अभी थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, तेल छोड़ रहा है, अभी हुआ नहीं है, और भी इसको भूनना है। और 1 लहसुन की कलियां आप चाहे तो डालिए या 2 डालिए। मैंने इसमें चिकन लिया था 1/2 kg 500 ग्राम। तो ये देखिए कितना ड्राई हो चुका है, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी एक बूंद भी नहीं डाले हैं, बिल्कुल सूखी ढक ढक के धीमे आंच पे पकाए। तो इसी तरह से आप भी बनाइए चिकन कोसा, और एक बार टेस्ट करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसी बनी थी। तो ये मेरा अभी होने वाला, ये थोड़ा सा चिकन मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको निकाल लेंगे। मेरा ये हो चुका है, चिकन कोसा मेरा रेडी है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।